फ्रेंड है, नमस्ते आप सब लोगों को, कैसे आप लोग। तो बस आप लोगों की दुआ से हमको काफ़ी आराम है, ठीक है। काफ़ी दिन बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए ब्लॉग कौन बनाता। तो अब तो आराम है हमें, हमने सोचा चलो आज खुला आराम है तो चलते बनाते, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं अभी का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है या नहीं। और काफ़ी फ्रेंडों की हमारे कमेंट भी आते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, कि आराम है, कोई दिक्कत नहीं। आरजू हमारे आप लोगों से नमस्ते कर रहे हैं, कैसे होते हो आरजू? हाँ, कैसे हो आप? कैसे हो आप लोग? खाना खा लिया? हाँ, मम्मी की तबीयत सही नहीं है। नहीं यार, तो हमें आराम है, ऐसी बात नहीं है, हम ठीक हैं। तो हम ब्लॉग खाया खाते थे, आज थोड़ी मिलती है। सुबह को आप लोग जानते हैं तो मैंने बुलाया है काम करने के लिए, वो काफ़ी दिन से यही है। सुबह वही काम करते हैं, हम तो कुछ नहीं अभी करते हैं। आरजू, आपको सुबह कौन रेडी करता है? नहीं यार, तो नहीं करते हैं, झूठ मत बोलो। कौन कौन तैयार करता है बताओ? बुआ। अच्छा, कौन बुआ है? अच्छा, सेवा हुआ। हम करते थे, अब हमारी आदमी को और उसको सेवा भेजती हैं स्कूल, खाना बना के सारा घर का काम मिल जाते हैं, सुबह के जल्दी हो जाते हैं। फ्रेंड, हमने अपने चाचा ससुर जो हमारे हैं, हमने उनकी बिटिया को बुलाया था, सेवा को आप लोग जानते होंगे, तो वही हमारे घर का काम करती हैं सारा। तो हमें तो डॉक्टर ने अभी मना कर दिया था, ये बोला था कि आप रेस्ट करना, आप कुछ मत करना, अभी काम मत करना, मना कर दिया था। तो इसलिए हमारे चाचा चाची सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो उन्होंने भेज दिया है सेवा को। पहले सुलेखा यहाँ बनी थी, बन ही रही थी, तो उन्होंने यहाँ काम धंधा किया है, तो उनको भी बुखार आने लगा है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों, अब तो आराम है, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आरजू कैसे मटक रही है, ये बिना साज की है मटा है, ऐसे ही सारा दिन मटकती रहती है जब स्कूल से आती है। तो हमारी सेवा है वही भेजती हैं बच्चों को रेडी करके स्कूल। तो अभी तो हम काम नहीं करते हैं, तो चलते हैं छत पे, अब जा रहे हैं हम, काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं छत पे, तो चलते हैं छत पे। सेवा कुछ कर रही हैं काम, दिखाते हैं आप लोगों को क्या कर रही हैं। वो कहाँ जा रही? छत। अच्छा, काम करने जा रही हो, चलो चलो। ठीक है दोस्तों, कितने दिन बाद आए हैं, यहाँ काम चल रहा है। देखो सेवा, आरजू और आयुष गेहूँ बटोर रहे हैं सभी लोग। क्या कर रही हो आरजू? तुम तो बटोरे भाई बटोर रही हो, बुआ कर रही है मेहनत। तो देखो इधर हमारी ननद रानी काम कर रही है, तो अभी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सारा दिन काम करते ही रहते हैं बेचारी। अबे तुम सही नहीं हो, ताकि हमारे हमने के लिए आप नहीं कर और का। अबे डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये बोला था कि तुम काम मत करना, रेस्ट करना, इसलिए हमने इनको बुला लिया है। और हमारे चाचा चाची है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भेज दिया है कि आप सेवा को बुला लो, वो काम करते रहेंगे। क्योंकि सुलेखा को यहाँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सुलेखा आई थी तो उनको डेंगू बुखार बन गया था, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं,
मम्मी हमारी आई थी दो दिन के लिए आई थी तो वो चली गई है क्योंकि घर पे सुलेखा को दिक्कत थी ना, इसलिए वो वहाँ बच्चों को संभाल रही हैं और काम भी सुलेखा के साथ हाथ बटवाती हैं। तो देखो आयुष क्या करने जा रही हो? अभी नहीं बोरी बोरी लेके आए से बंगरेल है ना, हम तसला लेके बोरी पट रही है। अबे नहीं बुआ, पहले बटोर लें सारे गेहूँ तब फिर ठीक है। हाँ तब बोरी पकड़ लेना, बुआ जी भरेंगी ठीक है। गेहूँ बटोर रही, देखो आरजू कह रही है गेहूँ बटोर रहे, चलो बटोर लो गेहूँ। सही है, बटोर के रख लो, पता है कितनी पाई घुने हो गए थे इसमें, सारे घुनों ने खा लिया गेहूँ। और दो तीन दिन हो गए सुखा सुखा के, और तो रख दिए हैं, और ये भी डाले आज कई दिन हो गए हैं तो सुबह दिन बाद छत पे आए हैं तो आप लोगों को सारा बैकग्राउंड दिखाए थे। देखो है, हम भी काफ़ी दिन बाद आए हैं तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम नीचे रहते हैं, छत पे नहीं हम आ पाते हैं, कम आते थे पहले, ज़्यादा आते थे, अब नहीं आ पाते हैं। आरजू ये बोरा काय ले आई? बोरा तसला ले ले, वो क्या पट रही है? देखो फिरन हमने जो तसला बन लो, हम हटा बगल जा रहे हैं, माँ मैं नहीं ले ली, अबे रुक जाओ मेरी ना बेगर कर दियो। देखो आयुष पहलवानी ज़्यादा दिखाए रहे तुम, गेहूँ बगर आए रहे थे हैं। आरजू तुम बोरी पकड़ो, आयुष भी बोरी पकड़े तो पकड़ो, तो बुआ को रहे हैं ठीक है, आराम से आरजू तुम नहीं बोरी पकड़ो, उनका बैकग्राउंड दिखा रहे हैं आप लोगों ने, काफ़ी दिन बाद आए हैं छत पे, और देखो ब्लॉग भी हमने काफ़ी दिन बाद बनाया आप लोगों के लिए। मैंने सोचा हमारे फैंस परेशान होंगे, वो सोच रहे होंगे पता नहीं भाभी का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए हैं, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब हमें आराम मिल गया है तो इसलिए हम छत पे चढ़ के आए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग ही बना देते हैं।